आज मैं लाई हूँ चमचम की इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपी ना कि आपको गैस भी नहीं जलाना है, मिनटों में आप 4-5 किलो चमचम बनाकर रख देंगे और स्वाद एकदम मार्केट वाला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आगे भी ऐसी ही रेसिपीज लाऊंगी। यहाँ मैंने लिया है 1 बोल नारियल बुरादा, 1/2 बोल मिल्क पाउडर लेना है और ये पेठा, आगरे का पेठा होता है ना, ये ड्राई पेठा है, 1 बोल ये ले लिया है। सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल दें। मिल्क पाउडर 1/2 बोल ही लूँगी। इसे ग्राइंड करेंगे। मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ जिससे आप मेजरमेंट अच्छे से समझ जाएं। देखिए एकदम परफेक्ट है ये। इसे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची तो हमने डाला ही है, मार्केट के फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ 1 स्पून केवड़ा जल डाल दिया है। आपके पास हो तो डालें, वरना ये टोटली ऑप्शनल है, टेंशन ना लें। सारी चीज़ों को कर लिया है अच्छे से मिक्स। ग्राइंड करते समय मिक्स तो हो ही गया था, इलायची को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इलायची बनाकर रखने का वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। 1 टेबल स्पून मिक्सचर लिया है, इसे हाथ में इस तरह से रोल करें, ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट से कवर कर दिया है। बस मिठाई हमारी रेडी हो गई है। पेठा तो हर स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे पेठे से क्यों बनाया है, उसका वजह यह है कि पेठा बहुत जूसी जूसी होता है अंदर से, तो उससे बनाने से ना आपके इस चमचम में थोड़ा चाशनी वाला फ्लेवर आएगा। देखिए कितना परफेक्ट बना है। अब इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए ऊपर से आप चाहिए तो इस तरह फूड कलर थोड़ा सा लगा दें। बस हमारा चमचम रेडी हो गया। ये रेसिपी पसंद आने पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।